नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्राम पिपरिया में 11,000 केवी की लाइन पर चढ़कर स्थानीय युवक गजराज मीणा लाइन सुधारने का काम करता था। उसके पहले उन्होंने बिजली विभाग ऑपरेटर शुभम से लाइट सुधारने के लिए बिजली सप्लाई बंद करने का परमिट भी लिया था, लेकिन खंभे पर चढ़ने की थोड़ी देर बाद बिजली सप्लाई शुरू हो गई। गजराज बिजली की चपेट में आ गया, उसका शरीर पूरी तरह झुलस गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन शव का जिला अस्पताल PM कराने के बाद वापस खामखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने थाने में घटना पर किसी की साजिश होने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की। लेकिन FIR में देरी होने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं और मृतक के परिजनों ने हंगामा कर दिया और रोड पर जाम लगा दिया। लान पे चढ़ा हुआ था तो आधा काम किया था उसने, तो और वो आधा कर ही नहीं पाया, वहीं चटा रह गया। किसी ने लाड़ जोड़ दी, जुड़वा दी गई किसी ने। सुबन सैन ने परमिट लिया था, सुबन सैन से लिया गया था, परमिट लिया था जो ऑपरेटर वो लान मैन से सुबन सैन से बड़नपुर वाला है, वो उससे लिया था। फिर और उसने लाड़ जोड़ दी या किसी से किसी के द्वारा जुड़वाई गई है, मेरे भाई को मरवा दिया। पुलिस का क्या सीन है? पुलिस ने क्या पुलिस बोला? कुछ नहीं, FIR कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी सुनवाई नहीं दे रही थी। अब हम चक्का जाम किया जाओ। हमने बोला कि आप लिखित एक आवेदन दे दो, उस पर जांच करेंगे। मर्ग जात तो चली रही है, और आवेदन पे जांच करके जैसा भी जो कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी, जिसकी गलती होगी इसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। ग्रामीणों का कहना है कि आपके जो प्रेम नारायण शर्मा जी, इनका कहना था कि कुछ भी कर लो सुनवाई नहीं होगी, दिल्ली तक चले जाओ। नहीं नहीं, ऐसा 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 हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम ऐसा बोल ही नहीं सकते। पहली बार विदिशा से राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट।